सवाल बहुत बड़ा है, क्या वाकई रिश्ते बेहतर होंगे? आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज से भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हो रही है। दो दिनों तक यह अहम बातचीत चलने वाली है। करीब 1.5 साल बाद हो रही इस मुलाकात से वैसे तो दोनों देशों के बीच उम्मीदें काफी ज्यादा है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पाक की नीयत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज से बातचीत हो रही है, लेकिन जैसे ही पाक विदेश सचिव भारत आए, उनसे सबसे पहले मुलाकातियों में अलगाववादी नेताओं के ही नाम थे। अब ऐसे में बातचीत कितनी कामयाब होगी, इस पर सवाल तो उठने लाजमी है। फरवरी 2011 के बाद ये मुलाकात हो रही है, शुरू हुई है दोनों देशों के बीच बातचीत, लेकिन रिश्ते इस बातचीत के जरिए कितनी बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं, इस पर होगी सबकी नजर। भारत में पहले अलगाववादियों से बातचीत हुई पाकिस्तानी विदेश सचिव की, और उसके बाद आज भारतीय विदेश सचिव से है उनकी मुलाकात। वैसे तो बातचीत में कई मुद्दे होंगे, लेकिन अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक भारत आतंक को लेकर कड़ी आवाज उठाएगा। उम्मीद है कि जिंदाल के बयानों को उठाया जाएगा। आतंकी हरकतों में पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के संबंध होने की भी जांच की मांग की जाएगी। हालांकि जिंदाल से जुड़े दस्तावेज पाकिस्तान को फिलहाल नहीं सौंपे जाएंगे। जिंदाल का फर्जी पासपोर्ट और पाकिस्तानी पहचान पत्र फिलहाल पाकिस्तान को सौंपे जाने की उम्मीद नहीं है। आतंक को लेकर पाकिस्तान के रवैये के आधार पर और पूरी तैयारी के साथ दस्तावेज सौंपे जाएंगे। हमेशा की तरह पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को उठाए जाने की आशंका तो है ही। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार, वीजा समेत तमाम अनसुलझे मसलों पर बातचीत की भी उम्मीद है। सीधे रुख करते हैं सौरभ शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, जाहिर तौर पर जब हम पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी नहीं दे रहे हैं, तो जो बयान अभी तक दिए हैं जिंदाल ने, उसी को अहम मानकर ये पूरा दबाव बनाया जाएगा। कैसे मलिर कैंटोनमेंट एरिया में कंट्रोल रूम रहा 26/11 के हमले की साजिश का, कैसे सब कुछ वहां के स्टेट जो एक्टर्स हैं, जो एजेंसियां हैं, वो इन्वॉल्व थी, ये सब कुछ दबाव बनाया जाएगा। जी अंजना, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो फिलहाल पासपोर्ट की कॉपी और जो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिंदाल से मिला, वो कॉपी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सारे तथ्यों को पुख्ता रूप से एक डॉसियर उसका बनाया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। क्योंकि आप, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले भी जब जब पाकिस्तान को डॉसियर दिए गए, वो एक उसका जो एक कटाक्ष लेके सामने आए कि ये चीज ठीक नहीं है, वो नहीं है। तो वो भारत ये चाहता है कि इस बार जो अभी जब हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद हाउस में हम हैं, हमारे पीछे जो ये बातचीत चल रही है, उसमें ये साफ है कि विदेश सचिव जो रंजन मथाई है, ये बात पाकिस्तान को कहने वाले हैं कि उनकी जवाबदेही बनती है कि पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी जो स्टेट एजेंसियां हैं, उनके रोल को वो एक प्रोब करे, उनकी रोल की जो है उसकी जांच हो। ये बात जो है रंजन मथाई साहब, जो जिलानी साहब हैं पाकिस्तान के विदेश सचिव, उनको कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा है कि 26/11 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात भारत की तरफ से दो टूक शब्दों में कही जाएगी, और यही जो है आज एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी। दूसरी बात, दूसरे सेशन में कश्मीर का मुद्दा रहेगा, जिसमें पाकिस्तान अपना जो उसका रुख रहता है कश्मीर पे, उस पर कायम रहने की इसकी संभावना है। पर भारत की तरफ से टेररिज्म, खासतौर से 26/11 पर, और जो जिंदाल के जो उन्होंने बातें कही है, वो सब बातें साफ तौर से उठाई जाएंगी। अंजना, बिल्कुल सौरभ, साफ है जब हम पासपोर्ट की कॉपी नहीं दे रहे हैं तो सारा का सारा दबाव उसी इकबालिया बयान के जरिए आगे बनाया जाएगा। कैसे कराची में कंट्रोल रूम है, कैसे जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर, उससे पास मलिर कैंटोनमेंट एरिया, एक पॉश इलाका कराची का, जहां से ये सब जानकारियां जिंदाल ने दी है। जो जिंदाल बता रहा है वो सब पाकिस्तान अब सामने रखे और बताए कि कौन सी एजेंसियां थी, कौन से वो अधिकारी थे, कौन से ऐसे लोग थे जो कंट्रोल रूम में मौजूद थे, ये तो पूछा ही जाएगा भारतीय विदेश सचिव की तरफ से। बिल्कुल 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 अंजना, ये जो बात है, जो उन्होंने जिंदाल ने जानकारियां दी हैं, ये सब रखी जाएगी। पर जो भारत अभी नहीं कर रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अभी
अब पाकिस्तान को फॉर्मली नहीं सौंपेगा, जो पाकिस्तान चाहता है कि सौंप दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ड्यू डिलीजेंस की जाए, इन सब डॉक्यूमेंट्स का पूरी तरह अच्छी तरह तथ्यों को सामने लाया जाए और एक कंक्लूसिव एविडेंस पाकिस्तान को सौंपा जाए, ताकि वो ये ना दोबारा कह सके कि हमारे पास हाफ बेक एविडेंस है, या जो सलमान बशीर उसके विदेश सचिव जो थे, अब आजकल पाकिस्तान के राजदूत हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि पीस ऑफ लिटरेचर है, उस तरह की बात ना हो, ये भारत ये चाहता है, इसीलिए वो एक पूरा कंक्लूसिव एविडेंस जब जमा हो जाएगा तब सौंपेगा पाकिस्तान को। अंजना बिल्कुल, सौरभ शुक्ला हमारे संवाददाता जो लगातार मौजूद है वहां पर, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हो रही है। आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा भारत के नजरिए, और सवाल ये कि आखिर जो पाकिस्तान की स्टेट एजेंसियां अगर शामिल हैं, उनके लोग 26/11 में शामिल थे, तो उनके खिलाफ क्या करेगा पाकिस्तान।